लगातार बढ़ता जा रहा है, लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार के स्तर पर बैठकें तो हो रही हैं, लेकिन अब तक सरकार इस संकट का समाधान नहीं ढूंढ सकी। वहीं इस संकट को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त गंभीर पानी के संकट से जूझ रही है। समस्या से निजात पाने के लिए जल मंत्री आतिशी ने रविवार को पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को पत्र लिखा। उन्होंने अगले 15 दिनों के लिए प्रमुख पाइपलाइन वाले इलाकों में गश्त और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती का अनुरोध किया है। पत्र में आतिशी ने कहा कि दिल्ली भीषण गर्मी और पानी की किल्लत से जूझ रही है। हमारी दिल्ली जल बोर्ड की टीम्स पेट्रोल करती हैं हमारी वाटर पाइपलाइंस को। कल ये जो साउथ दिल्ली की मेन पाइपलाइन है जहां से सोनिया विहार से पानी आता है, इसमें एक बहुत बड़ा लीकेज मिला। जब हमारी टीम्स ने रिपेयर टीम्स वहां पे गई तो ये देखा कि बहुत बड़े बड़े बोल्ट काट के पाइपलाइन से निकाले गए थे। दैट मींस ये कोई षड्यंत्र था जिसके तहत इस पाइपलाइन को काटा गया था, इस पाइपलाइन को तोड़ा गया था। तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, दिल्ली वालों को परेशान करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। नई दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने रविवार को पानी के संकट को लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने एपी सरकार पर भ्रष्टाचार और टैंकर माफिया को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि इस भीषण गर्मी में दिल्ली वासियों को पानी नहीं मिल रहा है। प्राकृतिक संकट नहीं है, ये आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा बनाया हुआ एक संकट है जिसके तहत वो भ्रष्टाचार करते हैं और टैंकर माफिया को प्रोत्साहित करते हैं। ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हीं की याचिका में इनसे पूछी कि आप वाटर वेस्टेज के लिए कुछ नहीं कर रहे, कि आप दिल्ली में टैंकर माफिया को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आतिशी जी को अगर प्रेस वार्ता करने से फुर्सत हो तो वो ग्राउंड पर आकर माननीय मंत्री काम करें ना। इसी बीच छतरपुर इलाके में दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालय में कथित तौर पर कुछ नाराज लोगों ने बीजेपी नेता और पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी की मौजूदगी में तोड़फोड़ की। बीजेपी नेता ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने पहले से गर्मियों में पानी की बढ़ी हुई मांग को लेकर कोई इंतजाम नहीं किया। आपने इससे पहले क्या कोई रोड मैप बनाया? आपने 2 महीने बाद गर्मी आने वाली है, गर्मी में पानी की डिमांड, उसके लिए कोई तैयारियां की? आपने कोई बैठक की? आपने किसी हरियाणा के या हिमाचल के मुख्यमंत्री से कोई बात की, पंजाब के मुख्यमंत्री से बात की? कोई नहीं की, क्योंकि आप अपने घोटाले करने में, पैसे खाने में, वृद्धावस्था की पेंशन रुकी हुई है, उनकी पेंशन नहीं दी जाती है, इसीलिए ये नाकाम जो सरकार है, इस सरकार का खामियाजा दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों को भुगतना पड़ रहा है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली के लोगों की हालत जस की तस बनी हुई है। वे पानी की भारी कमी का सामना कर रहे हैं। दक्षिण दिल्ली के गोविंदपुरी में महिलाओं ने विरोध के तौर पर रविवार को खाली बाल्टियां बजाकर प्रदर्शन किया। बिल्कुल ट्यूबवेल का भी नहीं आ रहा पानी, न सप्लाई के तक कभी आता नहीं, शुरू में एक दो बार आया, उसके बाद आता ही नहीं आता, तब नीचे गोविंदपुरी में जाते पानी भरने। इतनी बच्चे हैं हमारे घर में, पानी भी नहीं मिलता, कभी नहाते कभी नहीं आता, गर्मी के इतनी दिन है, पीने के पानी भी लोग फटके लाते हैं, इतनी लोग है, पानी लाना पड़ता खरीद के, खाना भी उसी में बनाओ और ट्यूबवेल का पानी आता ही नहीं है, सब बर्तन भी खाली रहती है, टंकी नहीं भरती हमारी। टैंकर भी आते हैं? नहीं, यहाँ टैंकर नहीं आती है। इससे पहले दिन में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने रविवार को पानी के संकट से निपटने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की। एक तरफ दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है तो वहीं पूर्वी दिल्ली के कोंडली विधानसभा के कोंडली नहर पर बने जल बोर्ड की पाइपलाइन काफी दिनों से टूटी हुई है, जिससे हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। तपती गर्मी से राहत पाने के लिए इस इलाके के लोग इस पाइपलाइन के नीचे नहाते हैं। दिल्ली में जल संकट के बीच बीजेपी और कांग्रेस अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं दिल्ली की मंत्री आतिशी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को लेटर लिखकर अगले 15 दिनों तक प्रमुख पाइपलाइनों की गश्त और सुरक्षा में पुलिस के जवान तैनात करने का भी आग्रह किया। बिहार के